भयंकर संघर्षवादी नेता है ये। चाय लगा दी गई है, ट्रॉली पर बैठने का नहीं दिया मौका। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस ब्लॉग में। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं फोर जोन। ताला लगा दिया। ओके, तो अभी मैं हूँ अपने घर में ऋषिकेश में और हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सुरकंडा। सब परिवार तो नहीं है, कुछ मेंबर्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं। अभी अभी चाचा और भी आए और वो और भी आए, तो अब निकलते हैं हम सुरकंडा मंदिर के। चलो जवान न्यूज़ में जा, यहाँ हम बच्चे बच्चे यहाँ जल्द से सीधा आप बोल दो। अच्छा आप बच्चे, आप बच्चे, अच्छा तो आप बच्चे सारे बच्चे इधर ही हैं। मैं तो बच्चा हूँ। आप बच्चे? अबे साले तभी तो चाचा और चले गए हैं, अब हमारी बारी है, हम जाएंगे इस पे। ये चलो अभी हम डालवाला के रिलायंस पेट्रोल पंप में हैं। ये लड़के देखो, इसको देखो, ये कौन है, ये खरगोश, ये देख खरगोश। और ये हमारे मामा जी नरी भाई जी, बहुत मतलब भयंकर संघर्षवादी नेता है ये। इतना संघर्ष है इनकी जिंदगी में, क्या बोले। कितना सर फुल कर दो फुल। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। मीटर देख लेना कितना हुआ। चुप रहो, 2600 कर दो पूरा। 2600 दे धक्का, दे धक्का, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाता है उसमें। रन दो यार, गिर रहा है दुकान में। ये गैस जलती है ना। तुमने दिए कितने? 2500 का नहीं बना। हां तो 400 दे दो यार। ठीक है भाई। ये भाई दादा तालीम ना सर। तो अभी हम नरेंद्र नगर से थोड़ा सा ऊपर ही आए थे और यहाँ पर थोड़ा तबीयत खराब हो चुकी है बच्चों की। हालांकि मेरी भी होती है तबीयत खराब, लेकिन अभी तक तो नहीं हुई है, इसलिए मेरे को गर्व है। चलो अंदर जल्दी, चलो चलते बैठते चल। तो अभी हम चाय पीने रुके हैं और चाचा के म्यूजिक नहीं चल रहा है, अभी म्यूजिक सही करता हूँ। आप भी ठीक करके देता हूँ। लग गई ना पेन ड्राइव? हाँ तो बूट करो। हाँ मैं पीऊंगा चाय, मैं पीऊंगा। चला डाला, ठीक है यहाँ से बैक कर सकते हो, ठीक है यहाँ से ये गाने, ठीक है। हाँ ये सारे गढ़वाली हैं, इससे एक और बैक करोगे जोन सारी ये रहा गढ़वाली ये रहा, ठीक है। तो समझा दिया है मैंने कैसे कैसे करना है काम। तुम क्या खाना है तेरे को? मैगी। अरे मैगी कौन खाते है? ब्रेड पकौड़ा खाएंगे। हाँ ब्रेड पकौड़े खाएंगे। क्या खाना है, क्या खाना है तेरे को? तेरे को क्या खाना, क्या खाना है तेरे को? कुछ पूछा मैंने कुछ? अरे भैया नहीं बोल सकते क्या तुम? बंद रहो, गजब बेइज्जती है। हम दोनों ने अपने पैर गाड़ी में रखे, हम तो ऐसे ही चलते भाई। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये तुझे नाश्ता करना कर डाल, पैसे मामा देंगे। बैठो 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 बैठो। गाइस यहाँ पर ऑर्डर हो रहा है, अब क्या क्या खाना है तुम्हें? तो कॉफी पीनी है। ये क्या बात, ये क्या बात करता है यार? अरे हेलो गाइस, अब बोल चलो। तो हेलो गाइस, अभी हम चाय पीने के लिए रुके हैं और अभी हम यहाँ पे से नाश्ता करके जा रहे हैं। अपने अपने डिमांड है और हमने फिर तब डिमांड को कैंसिल किया और सिर्फ चाय और पराठे और एक कॉफी है, इसके लिए कॉफी है। कहीं सफर में जाना होता है गांव में, तो उस वक्त बुआ की सफर ऐसी हो जाती है। बुआ मेरी माँ है। बुआ इसकी माँ है, मेरी बुआ इसकी माँ है। बोला 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 वावा। पराठे, चने, उसके ऊपर प्याज और चटनी, और भाई साहब टेस्ट ना जो अलग लेवल का। चुप हो जा भाई। तो नाश्ता करने के बाद हम चलते हैं, अपना सफर आगे बढ़ाते हैं मस्त करके। चलो चलो पानी है। तो अभी हम चंबा पहुंच चुके हैं। चंबा से किधर की साइड निकलना है हमने? मसूरी की रोड पे निकलना है हमने, और तब दिखेगा हमें एक सुरकंडा माता का मंदिर। ये देखिए कितनी सारी जीपें हैं यहाँ पे। ये जीप कहाँ जाती है? पार्क हो गया। अच्छा डियर पार्क पे। अच्छा यहाँ सफारी, अंदर यहाँ अंदर हिरण देखने के लिए जा सकते हैं। वाह वाह वाह।
क्या मस्त नजारे आ रहे हैं। और हम आ गए हैं कद्दू खाल, क्या खूबसूरत नजारा है यहाँ पे घाटी का। साइड हो जा, इंजॉइंग। हाँ कुछ ज्यादा ही, गाड़ी में तो डिजाइनिंग कर रही है तुमने। सिद्धपीठ माँ सुरगंडा देवी मंदिर मुख्य प्रवेश द्वार, ये रहा द्वार और वो रहा मंदिर। ऊपर से ट्रॉलीज भी लगी हैं, बट नहीं जाएंगे हम ट्रॉली में, डिग्री नहीं ना तेरे पास। और यहाँ पर बांदर भी हैं बहुत सारे। पाँव दर्द, दो सीढ़ी चढ़ा नहीं, पाँव दर्द हो रहा। और यहाँ पर घसियारी घास काटती है, चाय ला दी गई है घसियारों के लिए, चाय के लिए बुलाया जा रहा है यहाँ पे। चाय में दूध कम है। और यहाँ से है ट्रोली का सिस्टम, ये ट्रोली सिस्टम लगा है सुरगंडा माता मंदिर तक जाने के लिए, लेकिन हम पैदल यात्रा करने वाले हैं। वो रही ट्रॉलीज, तो ये है सुरगंडा देवी मंदिर की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव की पत्नी सती ने अपने पिता द्वारा प्रारंभ यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शिव इस स्थल से सती का मृत शरीर कैलाश वापस ले गए, जिसका सिर इस स्थान पर गिरा जहाँ सुरगंडा देवी मंदिर स्थित है। तो इस तरीके की कुछ सुरगंडा माता के मंदिर की कहानी है। और अब हम करते हैं कंटिन्यू अपनी जर्नी। ट्रॉली पर ही जाना है, अंशी पैदल नहीं चले, अंशी पैदल नहीं चले, चिल्ला। अरे कम से कम ऐसे चल तो रहे हम आगे, हमारे नेताजी हमारा साथ है। नेताजी आगे चलो, आगे करो नेताजी को, हमारे नेताजी कर्मठ जुझारू और ईमानदार नेता, ऐसा नेता हमारे साथ हो हमें किस बात का डर है। इस तरीके से लगी हुई है इतनी सारी घिरड़ी, चक्के घूम रहे हैं अंदर। और ये माता के मंदिर के दर्शन के लिए लाइन लगी हुई। अपने बंदे गए, ठीक है लाइन में लगे। तो हमने डिसाइड किया कि पहले हम मंदिर के दर्शन कर, उसके बाद बताता हूँ मैं आसपास का तुम्हें कैसा है। और हिमालय की चोटियां, बादल भी वहीं पर हैं और जस्ट वहीं पर देखो हिमालय की चोटियां उनसे भी ऊंची हैं। वाह वाह क्या खूबसूरत सा नजारा है यहाँ पर से देखने को। अगर सुरकंडा माता मंदिर आते हैं तो आपको ये बर्फ वाली चोटियां तो आई थिंक हर सीजन दिखेंगी, अभी सर्दियों का टाइम हो रहा है तो यहाँ पर थोड़ा मे भी ज्यादा बर्फ दिख रही होंगी हमें। अभी फोटो खिंचा रहे थे और अब बैठ जाते हैं। ये किसकी फोटो है, देख दिया किसकी फोटो है ये? हाँ ये अंशी। अच्छा अंशी ने खिंचवाई यहाँ पे, पाई है देखो ये हीरोइन। जो फैमिली फोटो थी वो ये रही, कर दिखा भाई। और अब बादल आने लग गए हैं यहाँ पे। यहाँ तो खैर अपन लोगों को तो आदत है खैर, बट आप जैसे कहीं बाहर से आ रहे हैं तो आपने पहली बार नहीं देखा तो इस तरीके के नज़ारे भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। थोड़ी देर पहले यहाँ पर ठीक था बट अब मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है। अब हमें यहाँ से वहाँ तक जाना है पैदल वापस। तो इतने ऊपर लाने के लिए, सामान लाने के लिए इन ऐसे कचरों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सामान लाना थोड़ा महंगा पड़ जाता है, थकाने वाला भी काम है, ज़्यादा मजदूर लगेंगे और एक घोड़े या खच्चर में ये काम ज़्यादा हो जाएगा।
तो इस तरीके से घोड़ों का इस्तेमाल भी किया जाता है यहाँ पे। बाकी ट्रॉलीज में तो इस तरीके की सुविधा नहीं होगी, बट ठीक है, ये भी एक सिस्टम है। जय हो। चलो भाई, ट्रॉली में क्या भीड़ हो रही है अभी, मतलब नीचे जाने के लिए हो रही है भीड़, और ऊपर आने, जबकि नीचे जाने में उतना होगी आफत आएगी, लेकिन उतनी आफत नहीं आने वाली जितना ऊपर आने में होने वाली थी। पर खैर, उस हिसाब से काफी अच्छा रिस्पॉन्स है इस चीज का भी। ईसो तो पूछ रहा था ना कि घोड़े के गुटके क्या होते हैं। ये होते हैं घोड़े के गुटके। ये देखिए, घोड़े के गुटके। झूले। हालांकि ट्रॉली में बैठने का एक डिसएडवांटेज भी है, और वो ये है कि इस तरीके से ट्रॉली कभी भी रुक जाती है। अब वो वहां से मोटर चालू करेगा तब जाके फिर से चालू होंगी। अभी फिलहाल ये बीच में झूल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा तो डर लग ही रहा होगा इन्हें, आई थिंक सो। हो चुकी है चालू फिर से, और हम भी चलते हैं आगे। अब तो इस तरीके से थोड़ी देर आपको रुकना पड़ सकता है अगर आप उसमें आते हैं तो। और यहाँ पर बुआ का थोड़ा सा दिमाग खराब होता हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप, दृष्टि डालेंगे आप, इस पर दृष्टि डालना चाहेंगे? इसका फोन फूटा गया अभी, दिखाइए कैसा फूटा, तो नहीं दिखा, दिखा 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 ना फोन दिखा। ए बच गया, बच गया। भाई का काम देख रहे हो तुम, कितना डेंजर वाला है, लेकिन फिर भी मेहनत है, पैसा है, काम है, समझ रहे हो। इस भाई के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर जरूर करें। वहाँ देखा आगे ट्रॉली, जैसी मेहनत ये कर रहा है वैसे ही हम भी हर एक हर पहाड़ी। ओ भाई साहब, तो भाई जब भी ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में आओ तो ऐसे जूते ना ही पहनो तो बेहतर है, क्योंकि इस तरीके के हाल हो जाते हैं पैरों में। ये भी स्पोर्ट्स नहीं है, चल बगिया से, नाम है उस पर लिखा, कोई स्पोर्ट्स कंपनी नहीं होती, चल बगिया से, चल बग, चल बगिया से, मार गए भाई। तो भाई अपना पैर छिल गया है और बहुत दिक्कत हो रही है चलने में, हालांकि अब तो आई गए हम नीचे पे, लेकिन भाई साहब जूते ढंग के पहनना जब भी हो, जब आप, अरे कहाँ से गरीब आदमी, चल बे क्यों फेंकू मैं जब आई नहीं, सब्सक्राइब करेंगे तब जाके लाऊंगा मैं ढंग से। भाई कहाँ से लेके आऊँ मैं। अभी हम है रिवर साइड का फैमिली रेस्टोरेंट में, और यहाँ पर हम भट्टू की दाल खाने आए हैं। भट्टू एक किस्म से पहाड़ में बहुत यूज होता है, पुराने लोग ज़्यादा यूज करते थे इस बर्तन को, लेकिन समय के साथ साथ इसका उपयोग कम हो गया। और इस तरीके का होता है भट्टू, इसके ऊपर छोटी सी डिक्ची बोलते हैं या पतीला बोलते हैं उसको रखते हैं, और तब अंदर इस पर दाल बनती है। और ये रही भट्टू की दाल और भात, बस फटाफट खा के निकलते हैं यहाँ से। चलो, तो पहाड़ी भट्टू की दाल और बात खा के हम निकल पड़े हैं अब घर की ओर। अभी हम हैं ऋषिकेश के मार्ग पे, और अभी नरेंद्र नगर में जरा पानी भरने रुके हुए हैं, सूर्यास्त हो चुका है, वरना मैं सूर्यास्त दिखाता। मेरे फोन की बैटरी डेड हो चुकी है बाय द वे, उससे थोड़ा मेरे को दिक्कत हो रही है व्लॉगिंग करने में, लेकिन अभी मामा जी का फोन है, मामा का फोन जिंदाबाद, मामा जी का फोन है, मामा जी हमारे नेता है, कर्मठ जुझारू ईमानदार नेता है, उनकी है ओमनी चुनाव चिन्ह, ओमनी पर वोट दो, ठीक है। तो अब चलते हैं। तो ये रहा अपना शहर ऋषिकेश, और ये रहे अपने फैमिली मेंबर्स, जरा उतर रहे, काफी लंबा सफर तय किया है हमने। ये देखिए क्या खूबसूरत सा नजारा है, ये तो अभी बत्तियां जली नहीं है ऋषिकेश की, और धुंध भी है, वरना बहुत अच्छा मनमोहक दृश्य होता है यहाँ से देखने लायक। चलो भाई पहुंच गए हम ऋषिकेश, मस्त कर गए। तो ये था यार आज का व्लॉग, यार कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताओ, और सब्सक्राइब करो इस चैनल को भाई, फुल सपोर्ट की जरूरत है, बिल्कुल मतलब इतनी जरूरत है कि बता नहीं सकता, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, लाइक करो इस वीडियो को, और मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बाय।